रिसेंटली मैंने द लॉजिकल इंडियन का एक पोस्ट पढ़ा जिसमें बताया गया था कि मोर देन 10 लाख लोगों ने एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था मध्य प्रदेश में, और बड़ी बात ये थी कि उनमें 1/3 से ज्यादा लोग PhDs और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले लोग थे। सिमिलरली यूपी में तो प्यून की जॉब के लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें अगेन PhD एंड पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी थे। और यही टाइप की चीज आज हर जगह हो रही है, लोगों के पास आज डिग्रीज तो है पर जॉब ही नहीं है। इंजीनियर्स की बात करें तो इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज में से एक है, लेकिन अगेन सैड बात यह है कि इन लाखों इंजीनियर्स में से हर साल 60% लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, और जिन्हें मिलती भी है वो यूजुअली किसी और दूसरी फील्ड में काम करते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको खुद किसी भी इंजीनियर से पूछने पर मिल जाएगा। मेरे मेजोरिटी ऑफ दोस्त जिनके साथ मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, जो क्लास के टॉपर्स भी थे, वो भी आज अपनी फील्ड से हटके किसी और फील्ड में जॉब कर रहे हैं एक छोटी सी सैलरी के लिए। मतलब इतने पैसे और साल देके जो चीज हमने सीखी उनकी वैल्यू जीरो है मार्केट में। और अगर जॉब चाहिए तो सबको कुछ नया ही सीखना पड़ता है, एक्स्ट्रा कोर्स पैसे देकर या इंटर्नशिप लेकर। आपको नहीं लगता ये सब बहुत स्टूपिड चीज कर रहे हैं हम? वेल, मुझे भी ये सिंपल बात काफी लेट समझ आई, और ऑथर भी हमें एंड पेरेंट्स को ऐसे ही इंपॉर्टेंट बातें सिखा रहे हैं इस बुक से। ऑथर बोलते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का मेन रीजन है हम सबकी मेंटेलिटी और एजुकेशन सिस्टम, जो सबको बस पढ़ाई में टॉपर बनने के लिए एनकरेज करता है, लेकिन वो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता जो आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जिससे होता यह है कि वो लोग डर के मारे एग्जाम्स तो पास कर लेते हैं, कुछ टॉपर्स भी बन जाते हैं, बट फिर वो काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम की नजर में एक फेलियर या एवरेज होते हैं। पर सच तो यह है कि यही कुछ लोग रियल लाइफ के टॉपर्स होते हैं। सो अभी मैं आपको 4 रीजन बताता हूँ जिसकी वजह से आज से नहीं बल्कि एक जमाने से टॉपर्स लोगों को फेलियर्स और एवरेज लोगों के लिए काम करना पड़ता है, जिन्हें समझने के बाद आप भले से अपनी कॉलेज या स्कूल के टॉपर नहीं बनोगे, बट श्योरली आप अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर अचीव कर सकोगे, और शायद उन स्कूल कॉलेज टॉपर्स को अपनी कंपनी में जॉब भी दे सकोगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर। पहला सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से ज्यादातर टॉपर्स कुछ बड़ा नहीं कर पाते लाइफ में, वो होता है उनका फियर ऑफ फेलियर। देखो, मोस्टली सक्सेसफुल लोगों को एजुकेशन सिस्टम खराब लगता है क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में लोगों को बचपन से ट्रेन किया जाता है कि फेल होना बहुत खराब होता है और उन्हें लाइफ में कभी फेल नहीं होना चाहिए, बल्कि हर जगह बस टॉप करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और फेल हुए तो उन्हें अलग अलग पनिशमेंट दी जाती है। स्कूल वाले उन्हें आगे क्लास में जाने नहीं देते, पेरेंट्स मारते हैं, चिल्लाते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, सोसाइटी मजाक उड़ाती है और बहुत अलग अलग तरह से टॉर्चर करते हैं बच्चों को। सब उन्हें लिटरली डराते हैं ये बोल के कि अगर तू फेल हुआ तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इससे होता क्या है कि ये सारी नेगेटिव चीजें बच्चे के दिल दिमाग में बैठ जाती है और फिर वो एकदम डर डर के जिंदगी बिताने लगता है। वो खूब मेहनत से फिर पढ़ाई करता है ताकि उसे अच्छे मार्क्स मिले और वो फेल ना हो, अच्छी कॉलेज मिले ताकि वो फेल ना हो, अच्छी जॉब मिले ताकि वो पैसे कमाता रहे, और बिजनेस या कुछ अलग करके लाइफ में फेल ना हो। इन शॉर्ट कुछ भी हो बस वो फेल ना हो। जबकि सक्सेसफुल लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि ऐसा फेल होने से डरने की मेंटेलिटी कभी किसी को कुछ बड़ा करने नहीं देती। एग्जाम्पल, एडिसन अगर फेलियर से डरते तो वो कभी लाइट बल्ब इन्वेंट ही नहीं कर पाते। कोलोना सेंटर्स अगर फेलियर से डरते तो वो कभी KFC ब्रांड ही नहीं बना पाते 65 इयर्स की एज पर। इनफैक्ट आप चाहिए तो सारे टॉप बिलियनर्स और सक्सेसफुल लोगों को सर्च करके देखो, उनमें से कई आपको स्कूल ड्रॉपआउट्स और फेलियर्स मिलेंगे, जो लाइफ में कई बार फेल हुए होते हैं अलग अलग तरह से, पर फिर भी वो फेल होने से नहीं डरते, बल्कि वो तो अपनी फेलियर की वजह से ही आगे बढ़ पाते हैं लाइफ में, बजाय डरते हुए किसी के लिए जॉब करने से। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को फेल होने के लिए एनकरेज करना चाहिए, जो कि एक्चुअल में कई सक्सेसफुल लोग अपने बच्चों को सिखाते भी हैं, ऑब्वियसली एग्जाम से हटके एक अलग पर्सपेक्टिव से। एग्जाम्पल, मैं एक बहुत सक्सेसफुल औरत की स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया था कि जब हर दिन उनकी फैमिली साथ डिनर करने बैठती थी तब उनके फादर, जो खुद सक्सेसफुल थे, वो सबसे पूछते थे कि बताओ आज तुम कौन सी चीजों में फेल हुए और तुमने उससे क्या क्या सीखा। और इसके रिप्लाई में जब वो अपने फादर को बताती थी अपने फेलियर्स के बारे में तो वो उनकी तारीफ करते थे और खुश होते थे ये बोल के कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कुछ न्यू ट्राई करके सोल्यूशन निकालो इस चीज का। जबकि अगर किसी दिन उनकी बेटी उन्हें बोलती थी कि आज मुझे ऐसा कोई भी फेलियर फेस नहीं करना पड़ा, तब वो ऑलमोस्ट सैड हो जाते थे ये बोलते हुए कि आज शायद तुमने कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी। देखो, ये होता है डिफरेंस बच्चों की मेंटालिटी को शेप करने का। वो लड़की जिसने अपने पेरेंट्स से सीखी कि फेल होना बुरा नहीं होता बल्कि अच्छा होता है क्योंकि उससे वो न्यू चीजें सीखते हुए लाइफ में आगे बढ़ सकती है, तो इसी मेंटालिटी के साथ फिर उसने रियलिटी में भी अपने फेलियर से सीखते हुए बार बार ट्राई करते हुए एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल लाइफ क्रिएट करी अपने लिए। जबकि फेलियर से डरने वाला इंसान ऐसा कुछ करने की कभी हिम्मत भी नहीं कर सकता, और ये चीज हर जगह होती है। एग्जाम्पल, जो लोग फेल होते हैं स्कूल में या इतना अच्छा नहीं कर पाते एजुकेशन सिस्टम में, वो लोग ही यूजुअली फिर सिस्टम के बाहर सोचने लगते हैं। उनका दिमाग क्लियर होता है पैसे कमाने के बारे में, उन्हें समझ आता है कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती, सो वो अलग अलग चीजें करके फिर सक्सेसफुल बन जाते हैं। जबकि टॉपर्स लोग इस सिस्टम में फंसे होते हैं जिसमें वो अच्छा कर रहे होते हैं, जिसमें सब उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, शाबाशी दे रहे होते हैं, और बस फिर ऐसे ही सेफ खेलते खेलते वो एक फेलियर या एवरेज इंसान की कंपनी में जॉब करने लगते हैं। रीजन नंबर 2, नो फाइनेंशियल लिटरेसी। एक और बात जो एजुकेशन सिस्टम की इतनी अच्छी नहीं है
वो ये है कि स्कूल हमें उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो लाइफ में खुशी से सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, मतलब फाइनेंशियल नॉलेज, उसी के बारे में वो हमें अच्छे से नहीं सिखाते। एग्जाम्पल, बचपन में जब हमारा ब्रेन सीखने के लिए एकदम बेस्ट होता है तब हम यूजुअली वो सारी बातें ज्यादा सीखते हैं जो लाइफ में हमें इतनी काम नहीं आती कभी। जबकि इंपॉर्टेंट चीजें जैसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल नॉलेज, रिलेशनशिप हैंडलिंग, ऐसी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो एक्चुअल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो हम नहीं सीख पाते। स्कूल बेसिकली बस ऑर्डर मानना सिखाता है, जो एक हद तक डिसिप्लिन के लिए सही भी है, पर ये चीज फिर बच्चों को एक एम्प्लॉई और नौकर मेंटालिटी वाला इंसान बनाने लगती है। देखो, ऑथर बताते हैं कि पैसे कमाने के चार क्वाड्रेंट होते हैं। पहला एम्प्लॉई, मतलब जॉब करके पैसे कमाना। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद का कुछ बिजनेस या कुछ करके पैसे कमाना जहां उनका रहना जरूरी है। तीसरा बिजनेस करके, जिसमें आप ऐसा सिस्टम बनाते हो पैसे कमाने के लिए जिसके लिए आपको हमेशा वहां रहना जरूरी नहीं। और चौथा इन्वेस्ट करके, जो एक हद तक पैसिव इनकम होती है। अब स्कूल हमें फर्स्ट या एट मैक्स सेकंड क्वाड्रेंट पर रहना सिखाती है, जबकि अगर वो फाइनेंशियल नॉलेज भी सिखाएगी तो बच्चों को थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू समझ आएगी और वो खुद बड़े बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स बन पाएंगे, जो उनकी और देश की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिका और ये दूसरी कंट्रीज के आगे रहने का रीजन ये भी है क्योंकि वहाँ पेरेंट्स बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज सिखाते हैं, अर्ली एज से बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाते हैं। वहाँ कई एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी होते हैं स्कूल एंड कॉलेज लेवल पे, जबकि हमारी कंट्री में तो पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को पैसों की बात करने भी मना करते हैं। रीजन नंबर 3, इनजस्टिस। आइंस्टाइन का एक कोट है जो हिंदी में कुछ ऐसा होगा कि हर कोई एक जीनियस है, लेकिन अगर तुम एक मछली को उसकी पेड़ पे चढ़ने की स्किल के साथ जज करोगे तो वो यही सोच के पूरी जिंदगी निकाल देगी कि ये बेवकूफी है। आज का एजुकेशन सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है, जो हर अलग अलग टैलेंट, स्किल्स और हुनर रखने वाले बच्चों को वही सेम पुरानी तरीके से जज करता है, जो एक्चुअल में फेयर नहीं है। क्योंकि ये थोड़ा बहुत ऐसा ही है जैसे एक बंदर और मछली को उनकी पेड़ पर चढ़ने की स्किल्स पर मार्क्स देना। ये भी एजुकेशन सिस्टम की एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसे उन्होंने अभी तक अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से बच्चे यूजुअली वो चीज नहीं कर पाते जो चीज में एक्चुअल में वो अच्छे होते हैं और टॉपर भी बन सकते हैं। अब ये सारी बातों से बहुत से लोग सोचेंगे कि सारी गलती एजुकेशन सिस्टम की है और उन्हें ही ब्लेम करना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम में काफी फ्लॉज है, लेकिन हमें ब्लेम करने के बजाय चीजों को बदलना चाहिए। सिस्टम को नहीं बदल सकते तो एटलीस्ट अपने आप को बदलो, और वो आप कैसे कर सकते हो ये आपको नेक्स्ट पॉइंट से समझ में आएगा, जो है रीजन नंबर 4, अबाउट अदर्स। अभी के लिए एक लास्ट रीजन जिसकी वजह से टॉपर्स फेलियर्स के लिए काम करते हैं, या आप बोल सकते हो जिसकी वजह से लोग सक्सेसफुल नहीं होते लाइफ में, वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग अपने रिलेटिव और नेबर्स की बातें सुनते हैं, या आप बोल सकते हो वो गलत लोगों से इंस्पायर होते हैं। मतलब वो उन लोगों की सजेशन लेते हैं, उनसे सीखते हैं जो खुद इतने सक्सेसफुल नहीं होते, जिन्हें खुद अच्छे से कुछ पता नहीं होता। जबकि सक्सेस के लिए आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जो लोग खुद सक्सेसफुल है, जो रियल वर्ल्ड और मार्केट को समझते हैं, आज क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उन्हें सब पता होता है। एग्जाम्पल, आप मेंटर से सीखो, उनकी बुक से सीखो, या सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, क्योंकि ये सभी आपको एक्चुअल में काम आएगी लाइफ में, जैसे मेको आई।